हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के दो इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 4A एंड 4, जो आते हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ एक्साइज में। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 4A। सेक्शन 4A कब लगता है? जब ये चार कंडीशन पूरी हो जाती हैं। जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो सेक्शन 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। नंबर 1, गुड्स मस्ट बी विद MRP, मतलब जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर करी है उसके ऊपर MRP लगा हुआ है। नंबर 2, गुड्स के ऊपर क्या है? रेट ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट। नंबर 3, गुड्स मस्ट बी मेंशन इन द नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके वो गुड्स नोटिफाई किए हुए हैं। नंबर 3, जो गुड्स, और नंबर 4, जो गुड्स हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कवर हो रही हैं। जब ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो हमारा सेक्शन 4A लग जाएगा। मतलब जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर करी है उसकी जो वैल्यूएशन है इस तरीके से कुछ होगी। नंबर 1, MRP, उसमें से हम लेस कर देंगे अबेटमेंट। अबेटमेंट जो है हर गुड्स के लिए अलग अलग हो सकती है, हर कैटेगरी की, हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अबेटमेंट्स के रेट भी इशू किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हमारा वैल्यूएशन इस तरीके से होगी, MRP लेस अबेटमेंट। अब अगर कुछ ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो भी गई और इन केसेस में हमारे को सेक्शन 4A नहीं लगेगा, चाहे वो चार की चार कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दी हैं, वो कौन से केसेस हैं जहां पर सेक्शन 4A की जगह पे 4 लग जाएगा? नंबर 1, एक्सपोर्ट सेल। नंबर 2, बल्क सेल और सेल इन होलसेल पैकेट, मतलब जो होलसेल पैकेट में या फिर बल्क सेल में हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 4 लगेगा, और पैकिंग लेस देन 10 ग्राम और 10 ml। लास्ट है सेल टू इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अगर गुड्स सेल करता है और उसने वहां पे क्या है, कैपिटल कंज्यूम कर ली, तो वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो गया, इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर हो गया। जैसे कि कोई वाटर मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी, बिस्तेरी, अपना एक्वाफिना, ये कोई भी कंपनी, ये वाटर की बोतल्स आगे देती है कोई एयरलाइन कंपनी को, जो क्या है अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट में सोल्ड कर देती हैं। तो ये जो अपना वाटर की बोतल्स हैं परचेज की गई हैं इंडियन एयरलाइन वालों ने, वो क्या है एज ए इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर के तौर पे खरीदी गई हैं, इसलिए उस केस में सेक्शन कौन सा लग जाएगा? सेक्शन 4, ना कि सेक्शन 4A। और अबेटमेंट कैसे दी होती हैं? अबेटमेंट के रेट ऐसे दिए होते हैं जैसे कि RSP का इतने परसेंट टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे कि AC है 30%, कलर कलर TV 35%, सोप 35%। ऐसे ही जैसे हमने एग्जांपल में दिए हुए हैं अबेटमेंट के रेट दिए होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे हम। नंबर 1, इफ MRP, इफ पैकेज कंटेन डिफरेंट MRP प्रिंटेड ऑन इट, मतलब एक पैकेट पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स, एक पैकेट पे डिफरेंट डिफरेंट MRP डेजिग्नेटेड है, तो हाईएस्ट ऑफ देम मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब अगर गुड्स के ऊपर एक MRP दिया हुआ है 10 रुपये, एक दिया हुआ है 15 रुपये, तो हम वैल्यूएशन के लिए 15 रुपये कंसीडर कर लेंगे, ना कि 10 रुपये। नेक्स्ट है इफ MRP इज अल्टर टू इंक्रीज द प्राइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मतलब MRP हमने चेंज किया है टू इंक्रीज द प्राइस, तो फिर हमारा जो इंक्रीज प्राइस है, मतलब मैक्सिमम प्राइस है, वही हम कंसीडर कर लेंगे। नंबर 3 है इफ वेयर डिफरेंट MRP आर डिक्लेयर ऑन डिफरेंट पैकेज मीन फॉर सेल एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब जो MRP लगे हुए हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग लगे हुए हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई पैकेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा के लिए 50 रुपये गुड्स का रेट है,
पंजाब के लिए 48 है और अदर स्टेट के लिए 60 रुपीज़ है। मतलब फिर उस केस में क्या होगा, देन ईच ऑफ सच रिटेल प्राइस शेल बी टेकन फॉर द वैल्यूएशन एंड ईच कंसाइनमेंट इज वैल्यूड सेपरेटली। मतलब सभी के ऊपर कोई हाईएस्ट प्राइस नहीं लगेगा, जो सेपरेटली अपना हर स्टेट के लिए कंसाइनमेंट बनी होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज किया जाएगा। क्वांटिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट का हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा एज इट इज़। मतलब 500 ml की कोक की बोतल में 750 ml आपको ग्राम आपको मतलब मिलती है कोल्ड ड्रिंक, तो आपको 500 ml पे 5 ml पे जितना MRP लगा हुआ है उतने के ऊपर ही एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्री गिफ्ट अलॉन्ग विद द फाइनल प्रोडक्ट। अगर एक आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सोल्ड कर रहे हो और उसके साथ कुछ गिफ्ट भी दे रहे हो, तो गिफ्ट अगर टैक्सेबल तब होगा अगर वो सेपरेट पैकिंग में है। अगर गिफ्ट ओरिजिनल ओरिजिनल प्रोडक्ट की पैकिंग में है तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट पे टैक्सेबल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सेम प्रोडक्ट पार्टली सोल्ड इन रिटेल एंड पार्टली इन होलसेल। मतलब एक प्रोडक्ट आप होलसेल में भी बेचते हो रिटेल में भी बेचते हो, जो होलसेल में बेचते हो उसके ऊपर सेक्शन 4 लग जाएगा और जो रिटेल में बेचते हो रिटेल पैक में उसके ऊपर 4A लग जाएगा। नेक्स्ट है गुड सोल्ड इन बल्क पैकेज। बल्क पैकेज में आपको पता है सेक्शन 4A की जगह पे कौन सा लग जाता है, सेक्शन 4 लग जाता है। नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ RSP आफ्टर प्लेस ऑफ रिमूवल। मतलब हमने जो MRP है वो प्लेस ऑफ रिमूवल के बाद चेंज कर लिया, देन हाइएस्ट ऑफ देम मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन एंड मे बी लाइबल फॉर कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन भी हो सकती है। मतलब पहले हमारा बिफोर रिमूवल जो है गुड्स का प्राइस था 10 रुपये, आफ्टर रिमूवल हमने कितना कर दिया 12 रुपये, तो एक्साइज ड्यूटी जो है हमें 12 रुपये के ऊपर देनी पड़ेगी ना कि 10 रुपये के ऊपर। कहते MRP, क्या MRP चैलेंज किया जा सकता है रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा? नहीं, MRP जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट है वेयर ए मैन्युफैक्चर रिमूव द गुड्स। अगर मैन्युफैक्चर रिमूव कर देता है गुड्स विदाउट डिक्लेयरिंग द रिटेल सेल प्राइस, रिटेल प्राइस और डिक्लेयर्ड प्राइस इज नॉट एज पर लॉ, या तो फिर उसने प्राइस तो डिक्लेयर कर दिया है पर एज पर लॉ नहीं डिक्लेयर किया, या फिर प्राइस को क्या है चेंज कर दिया है आफ्टर द प्लेस ऑफ रिमूवल, तो उस केस में क्या होगा? तीन केसेस हैं, या तो फिर आपने प्राइस डिक्लेयर ही नहीं किया, या डिक्लेयर तो किया है पर एज पर लॉ नहीं किया, या फिर या फिर डिक्लेयर तो किया है पर बाद में क्या कर दिया एज पर लॉ नहीं किया। लास्ट पॉइंट है या फिर आपने प्राइस जो है रिमूव कर दिया आफ्टर द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, आफ्टर द प्लेस ऑफ रिमूवल। देन प्राइस मे बी असर्टेन इन द फॉलोइंग मैनर। प्राइस इस तरीके से असर्टेन किया जाएगा, दैट मीन्स नंबर वन तीन से तीन दो तरीके से किया जाएगा। टेक मार्केट प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स रिमूव बाय द मैन्युफैक्चर विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month बिफोर और आफ्टर द रिमूवल ऑफ सच गुड्स। मतलब टेक मार्केट प्राइस जो है आइडेंटिकल गुड्स का आपने रिमूव करी है फैक्ट्री से अपनी 1 महीने पहले या 1 महीने बाद, तो उस गुड्स का आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस ले लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा वैल्यूएशन के लिए। अगर मैथ जो फर्स्ट वे है ये नहीं पॉसिबल फिर क्या किया जाएगा, इफ रिटेल प्राइस कैन नॉट बी असर्टेन एज अबव इट शेल बी असर्टेन बाई कंडक्टिंग मार्केट इंक्वायरीज इन द रिटेल। मतलब आप मार्केट इंक्वायरीज करोगे उस तरीके से आप वैल्यूएशन कर दोगे। इफ मोर देन वन RSP इज असर्टेन इन द अबव केसेस, मतलब इन तरीकों से हमारे पास एक से ज्यादा MRP हो गए, दो दो MRP हो गए, तीन चार MRP हो गए, तो हम फिर क्या करेंगे उनमें से जो हाईएस्ट प्राइस है वो कंसिडर कर लेंगे वैल्यूएशन के लिए।
मीनिंग ऑफ आरएसपी, आरएसपी का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्राइस एट विच एक्साइजेबल गुड्स इन पैक फॉर्म मे बी सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब जो पैकिंग करी हमने गुड्स की वो अल्टीमेट कंज्यूमर को हम बेच सकते हैं पैक फॉर्म में, उसमें क्या है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। अब इसके बाद हम कुछ इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे साथ साथ, जैसे कि एमआरपी दिया हुआ है एसी का 40,000, अबेटमेंट रेट दिया हुआ है 40%। एमआरपी कितना है? 40,000, और अबेटमेंट कितनी है? 40%। बेसिक एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 12%। तो हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? नंबर वन, एमआरपी 40,000, उसमें से अबेटमेंट लेस कर देंगे 40%। 40,000 एमआरपी हो गया, 40,000 का 40% 16,000, ये आपकी असेसेबल वैल्यू होगी 24,000। फिर 24,000 का 12.36%, 12.36 कैसे आया? 12% बेसिक एक्साइज ड्यूटी, 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, 12% के ऊपर 2% ऐड किया और 1% ऐड किया, कुल मिला के बन गया 12.36%, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट, बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट नेमली आई ऑइंटमेंट एंड स्किन ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट एंड स्किन ऑइंटमेंट। स्किन ऑइंटमेंट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 4A, मतलब जो स्किन ऑइंटमेंट है वो सेक्शन 4A में कवर हो रही है। सेल प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट 43 एंड 33 रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स आई ऑइंटमेंट का कितना है 43 रुपीज़ और स्किन ऑइंटमेंट का कितना है 33, 43 आई का और स्किन का 33। सेल प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट इंक्लूडेड 14% एक्साइज ड्यूटी एज बेसिक एक्साइज ड्यूटी। यूनिट्स डिक्लेयर आई ऑइंटमेंट के कितने? 1 लाख, स्किन ऑइंटमेंट के 1,50,000 और अबेटमेंट कितनी है? 40%। जैसे कि इस क्वेश्चन में स्किन ऑइंटमेंट का एमआरपी था 33 रुपीज़, लेस हो गया अबेटमेंट 40%, असेसेबल वैल्यू होगी 19.80, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जो यूनिट सोल्ड हुए थे वो कितने थे? 1,50,000, 1,50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू हो गई 29,70,000। इसके ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, वो आ गया हमारी एक्साइज ड्यूटी पेबल। और जो रिमेनिंग सेकेंड प्रोडक्ट है आई ऑइंटमेंट, इसकी जो वैल्यूशन है इसकी वैल्यूशन सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग होगी। रीजन, क्योंकि वो इसकी तरह स्किन ऑइंटमेंट की तरह सेक्शन 4A में स्पेसिफाइड नहीं है, सेक्शन 4A के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करेंगे रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ए लिमिटेड सप्लाई रॉ मटेरियल टू ए जॉब वर्कर के लिमिटेड, आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब द फिनिश प्रोडक्ट 25,000 पैकेट्स आर रिटर्न टू ए लिमिटेड। आरएसपी कितना है उसका? 20 रुपीज़, और प्रोडक्ट जो है वो कवर हो रहा है एमआरपी में और उसकी अबेटमेंट भी दी हुई है 40%। डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू,
ये बाकी अदर इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड की गई है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, जॉब वर्कर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फॉर रिटर्न द पैकेट टू ए, हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है कौन से सेक्शन, इस कौन से वे से। अब ये जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है जॉब वर्कर ने, वो क्या है, कवर हो रही है सेक्शन 4A में, और उसका अबेटमेंट भी दिया हुआ है, तो वैल्यूएशन सेक्शन 4A के अंडर होगी, ना कि किसी और अदर सेक्शन के अंडर। वो कैसे होगी, MRP कितना था गुड्स का, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ MRP, क्वांटिटी सोल्ड 5,000, तो असेसेबल वैल्यू बिफोर अबेटमेंट हो गई 1 लाख, अबेटमेंट 40%, 1 लाख का 40% 40,000, और असेसेबल वैल्यू होगी आपकी 60,000। अदर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन आर इररेलीवेंट फॉर द वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 4A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, राइट। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है, ट्रांसैक्शन वैल्यू। ट्रांसैक्शन वैल्यू कब लगता है, जब ये चार कंडीशन पूरी हो जाती हैं। चार कंडीशन कौन सी, गुड्स मस्ट बी सोल्ड बाय असेसी, मतलब असेसी ने गुड्स सोल्ड करी हैं, ना कि सैंपल सैंपल के तौर पे दिए हैं आगे, और बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होनी चाहिए आपस में। थर्ड, गुड्स आर सोल्ड बाय असेसी फॉर द डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, मतलब गुड्स जो हैं सोल्ड कर दी जा की जा की जा रही हैं, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल भी सोल्ड की जा रही हैं, और प्राइस क्या है, सोल कंसिडरेशन है, प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है। अब सेक्शन 4A में, 4 में सॉरी, सेक्शन 4 में वैल्यूएशन के लिए ये चीजें इंक्लूड और एक्सक्लूड होंगी। दैट मींस जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये एक्सपेंडिचर जो है इंक्लूजन में आ जाएंगे, और ये एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूजन में आ जाएंगे। कौन से, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, धर्मदा चार्जेस, रॉयल्टी, एडवर्टीजमेंट चार्ज बाय द चार्ज चार्जेस बोर्न बाय द बायर, जो कि बायर ने बॉर्न किए हैं वो वाले। कौन कौन से नहीं आएंगे, ड्यूरेबल पैकिंग, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन, ऑक्ट्राई, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन पेबल, बॉट आउट असेसरीज, सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल जो हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेक्शन 4 की वैल्यूएशन के दौरान ऐड हो जाएंगे, मतलब इंक्लूड होंगे। राइट, ये जो खर्चे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में आ जाएंगे आपके, ये वाले इंक्लूजन में, ये सारे एक्सक्लूजन्स में आ जाएंगे। अब हमने एक पढ़ा था रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या है, इंटरकनेक्टेड एंड अंडरटेकिंग्स, रिलेटिव्स अमंग्स देम, बायर इज अ रिलेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एसएससी और सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूटर, और जिनका क्या है, दे हैव इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिजनेस में इंटरेस्ट है। वैल्यूएशन का, सेक्शन 4A की वैल्यूएशन का कुछ प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट टाइम।
अब जैसे कि ये दिया हुआ है, असेसी सोल्ड गुड्स, असेसी सोल्ड गुड्स 4 रुपीज 23,296, डज नॉट चार्ज एक्साइज ड्यूटी सेपरेटली इन द इनवाइस। और एक्साइज ड्यूटी कितने परसेंट है? 16.48। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं ये क्या है, कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस है, मतलब इस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड है, नंबर वन, असेसेबल वैल्यू भी इंक्लूड है, प्लस एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड है, दो चीज़ें इंक्लूड हैं, राइट। तो इसके लिए हम उससे पहले ही वर्किंग नोट बना लेते हैं, लेट असेसेबल वैल्यू 100, एक्साइज ड्यूटी 16.48, दैट मीन्स 100 का 16.48, 116.48, ये आपका क्या हो जाएगा, कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस। अब कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 116.48, दैट मीन्स ये जो प्राइस चार्ज किया था 23,296 रुपीज़, ये अपने आप में कितने परसेंट है, 116.48, मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया, जो हमें चाहिए था, असेसेबल वैल्यू कितनी है, 100, 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया असेसेबल वैल्यू 20,000 रुपीज़। और एक्साइज ड्यूटी आपकी आ गई, हमने यहाँ पर 16.48 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 23,296 डिवाइड बाई 116.48 मल्टीप्लाई बाई 16.48, ये आपकी आ गई एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसेबल वैल्यू पता करनी है और एक्साइज ड्यूटी पेबल पता करनी है। प्राइस कम ड्यूटी दी हुई है 10,000, एक्साइज ड्यूटी 16%, ट्रेड डिस्काउंट 1,200, फ्रेट 750। तो सबसे पहले हम कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस है हमारा 10,000, उसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो एक्सक्लूजन्स में आ रहे थे जो हमने पढ़े थे, एक्सक्लूजन्स में, उसमें से हमने फ्रेट लेस कर देना है 750। फ्रेट क्यों लेस किया, क्योंकि ये क्या है कि एक्सपेंसिज इनकर हुआ है आफ्टर द प्लेस ऑफ रिमूवल, इसलिए ये खर्चा हमने इंक्लूजन में नहीं लिया। अब अगर कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 8,050, जो हमने लेस करके जो हमारी वैल्यू बनी थी यहाँ पर, कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट और फ्रेट लेस किया, 8,050 आ गया था। उसके बाद है 8,050 जो है वो अपने आप में कितने परसेंट है, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 100, 16, और असेसेबल वैल्यू हम कितना मानते हैं, 100, 100, उसमें से एक्साइज ड्यूटी ऐड करी 16.48, दैट मीन्स सेस ऐड करके, तो 116.48 वो बन गया अपने आप में। तो 8,050 को हमने डिवाइड कर दिया 116.48 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ गया 6,911 आपका असेसेबल वैल्यू, और एक्साइज ड्यूटी करते वक्त हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16.48 के साथ। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन एमआरपी 2100, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है और एक कैश डिस्काउंट दोनों दिए हुए हैं। आपको पता है पहले ट्रेड डिस्काउंट होता है लेस, फिर कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट 2100 का आ गया 168, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू बची 1,932, उसमें से कैश डिस्काउंट लेस कर दिया। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू आई है 2%, तो वो बना 38.64, तो आपकी असेसेबल वैल्यू बन गई 1,893.36। अब इसमें आपको पता है आपका एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड है 8%, वो अब कितनी बन गई, असेसेबल वैल्यू 100 रुपीज़, एक्साइज ड्यूटी 8.4, टोटल हो गया 108.24।
और साथ में आपको वैट भी दिया हुआ था 12.5%। ये आपका 108.24 में वैट ऐड हो गया 12.5%, 108.24 का 12.5% हो गया 13.53। इसका मतलब है ये सब कुछ मिला के हमारी जो असेसेबल वैल्यू बन रही है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जिसे हम पहले बोल रहे थे कम ड्यूटी सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स जो एमआरपी है या एमआरपी लिखा होगा, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू बनी 121.74। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे हुई, 1893.36 हमारा आया था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 121.74, ये हमारा यहाँ से जो आया था इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्या थी हमारी असेसेबल वैल्यू, क्योंकि हमें असेसेबल वैल्यू चाहिए। नंबर टू एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के लिए यही अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे फिर दोबारा 121.74 के साथ और मल्टीप्लाई 8.24, क्योंकि हमारी एक्साइज ड्यूटी कितनी थी 8.24। अगर हमारे को वैट भी पूछा हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1893.36 डिवाइड बाई 121.74 मल्टीप्लाई बाय वैट कितना हमारा आया था 13.53। ये हमारी वैट आ जाएगी जो वैल्यू आएगी।